बगर टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को जेम के बारे में डायरेक्ट ऑर्डर कैसे लेते हैं ये बताऊंगा। ये दोनों के लिए फायदेमंद है, बायर्स के लिए भी और सेलर के लिए भी। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे, यदि आपको कोई सेलर है और सेलर का पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, कोई भी एक ऑर्डर है, कैटलॉग बना हुआ है, और वही ऑर्डर बायर को ऑर्डर देना है डायरेक्ट के थ्रू से, तो कैसे देंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों का लॉगिन आईडी ओपन करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेलर का लॉगिन आईडी ओपन किया हूँ, और सेलर का लॉगिन आईडी ओपन होने के बाद यहाँ पे मैं उसके कैटलॉग में जाता हूँ। कैटलॉग में जाने के बाद मुझे जो ऑर्डर देना है, जैसे कि डीएससी क्लास टू का ये ऑर्डर देना है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आईडी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट आईडी को भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर इसको ओपन करेंगे और इसका जो लिंक है इसको कॉपी कर लेंगे। ये इसका लिंक जो है इसको कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैं अभी बायर के आईडी से लॉगिन हो चुका हूं, और मैं यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर देता हूं। जैसे पेस्ट करूंगा, देखिए ये आइटम दिखना चालू हो गया। यहाँ पे इसके नीचे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ये जो मैं बता रहा हूँ 25,000 से नीचे का आइटम के लिए। बाय करेंगे, डायरेक्ट परचेज और बीड का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट परचेज में जाइए। बीड और L1 के बारे में अलग से मैं बताऊंगा, L1 का वीडियो बनाया हूँ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी एड्रेस है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्वांटिटी कितना चाहिए, मैं सिंपल एक क्वांटिटी के लिए आपको अभी ऑर्डर करके दिखाता हूँ। 25,000 से आप नीचे का कोई भी आइटम ले सकते हैं। एड टू कार्ट, L1 का वीडियो मैंने बनाया है जो 5 लाख से बिलो का होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट परचेज आ जाएगा। डायरेक्ट परचेज इसको कंफर्म करना है। ऑलरेडी क्या हो रहा है, ये एरर इसलिए, ये मैसेज इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ऑर्डर ऑलरेडी मैंने एक लिया है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। सेम सेलर को एक ऑलरेडी एक ऑर्डर हुआ है, इसलिए वो आपको बता रहा है। डिलीवरी डेज है जो जो है वो 15 डेज है। रीजन फॉर चूजिंग दिस सेलर, आप इस सेलर को क्यों चूज कर रहे हो, इसके लिए आपको रीजन देना है। आप लिख सकते हो हमारी इसके साथ अच्छा सर्विस है, सपोर्ट अच्छा है इनका, या इनके साथ हमारा रिलेशन, हम लोगों ने पहले काम किया था और इनका सपोर्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर दे रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इस तरह जेम ई टेंडर्स के रिगार्डिंग वीडियो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ऑर्डर समरी हो गया, यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनेंशियल डिटेल्स में, पेमेंट कैसा होगा। तो ये इंटरनेट बैंकिंग हमारा एक्टिवेट नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यदि इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होता तो आपको यहाँ पे दिख जाता था। अदर्स में जाना है और फिर यहाँ पे पेमेंट गेटवे, हम आपको डीडी या चेक से पेमेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन है और ऑफिशियल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल अप्रूवल कौन है, आपको जीएसटी का बिल किसके नाम से चाहिए, बायर या कंसाइनी, तो मैंने कंसाइनी दे दिया। और अप्रूवल रिक्वायर्ड नो, हमारे कोई अप्रूवल के लिए रिक्वायर्ड नहीं। एक फाइनेंशियल अप्रूवल का एक डॉक्यूमेंट्स लगता है, जो ये आपने ऑर्डर लिया है इसलिए एक अप्रूवल लगता है, वो अप्रूवल आपको यहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे अप्रूवल अपलोड कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू। ये आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट हो गया, इसको आपको सेव करना है। ये हमने अभी सेव नहीं किया, सिर्फ देखा, इसको एक्सेप्ट एंड सेव करना है। अभी मैं बायर के प्रोफाइल में हूँ, कैसे ऑर्डर देना है वो दिखा रहा हूँ। पहले सेलर के प्रोफाइल से मैंने वो लिंक कॉपी किया और फिर बायर के प्रोफाइल में लॉग इन करके पेस्ट कर दिया था। इसको वेरीफाई करेंगे, जैसे वेरीफाई करेंगे ओटीपी आएगा एक, देखिए मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ। वेरीफाई किया, यहाँ पे ओटीपी आया, यहाँ पे ओटीपी जैसे डालेंगे सबमिट करेंगे ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से सेलर के प्रोफाइल पे जाता हूँ,
जो सेलर है उनके प्रोफाइल पे जाता हूँ, वहां पे ऑर्डर कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहां पे आपको ऑर्डर्स पे जाना है, ये थोड़ा अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स इस तरीके से दिखेंगे, हमको दो ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर आपको यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर एक्सेप्टेड। तो ऑर्डर एक्सेप्ट होने के बाद आपको यहाँ पे बिल का सभी डिटेल्स डालना है। कैसे डालेंगे, तो आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आपको पूरा बिल का डिटेल्स डालना है। जनरेट कीजिए कंसाइनी को, यहाँ पे जीएसटी डेटा नॉट फाउंड बोल रहा है, जीएसटी मेरा नंबर अपडेट नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो आप